हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता. आई एम द पैनल डॉक्टर ऑफ राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड. वी हैव गैदर टुडे ऑन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे. सो दिस वेबिनार इज ऑर्गेनाइज बाय राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड इन ऑनरिंग द मेमोरी ऑफ आर चेयरमैन डॉक्टर एस डी चोपदार सर. सो लेट अस नो समथिंग अबाउट आर कंपनी राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड. With great pleasure, we introduce our organization, Rajasthan Aushadhalaya. Rajasthan Aushadhalaya is successfully involved in manufacturing of Ayurvedic medicine and consumer products. Ayurvedic products ke demand and consumption ko dekh ke, RAPL group ne a quality product successfully market ki hai. Sirf India mein hi nahi, to abroad mein also. Our first medicine was in the field of de-addiction category in 1952. तो de-addiction category के medicines देख के उनके demand देख के धीरे धीरे राजस्थान औषधालय ने सभी type के addictions पे दवाई बनाई हुए है. And millions of drugs and alcohol and nicotine addicted are benefited from our de-addiction products in India and also overall world. यही डिमांड को देख के राजस्थान औषधालय ने धीरे धीरे बाकी सभी डिजीजेस पे जैसे जॉइंट पेन, अस्थमा, पाइल्स, डायबिटीज़, वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट, कैंसर, हार्ट डिजीज़ जैसे बीमारियों पे दवाई बनाई हुई है, डेवलप करके सक्सेसफुली ओवरऑल मार्केट की है. इसके लिए हमारा मिशन है कि क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को डेवलप करें और मैन्युफैक्चर करें. We want to emerge as a multi-dimensional Ayurvedic medicine manufacturing company and ये quality products से हमें हमारे customers and doctors के चेहरे पर एक smile लानी है. उसके लिए हमारा vision है to attach with dedicated professional and doctors. ये team बना के हमें हमारा mission successfully achieve करना है. So let us move on to diabetes. As we know, diabetes has affected millions of people daily. जिनको diabetes है उन्हें daily challenges face करने पड़ते हैं in managing their condition at home, work and school. उनको एक organized and responsible life physically and mentally रहनी पड़ती है. And diabetes अगर देखा जाए तो सिर्फ ब्लड शुगर पे फोकस किया जाता है, बट एज वी नो इट इज डायबिटीज़ इज़ बियॉन्ड जस्ट द ब्लड शुगर लेवल. सो टुडे ऑन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, दैट इज़ 14 नवंबर, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रेज अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज़. तो डायबिटीज़ रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है उनका प्रिवेंशन है एंड उनके मैनेजमेंट कैसे करनी है इसके लिए ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो हर साल एक थीम रहती है. इस साल की थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स एंड ब्रिजिंग गैप्स. तो जो डायबिटीज़ रिलेटेड मरीज़ रहते हैं उनको प्रॉपर डायग्नोस करके उनको अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिले और डायबिटीज़ मैनेज कर पाए, इसके लिए जो बैरियर आते हैं उनको कम करना ही इस साल के थीम का मोटिव है. सो लेट अस नो समथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे. इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1991 बाय द इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन विद द सपोर्ट ऑफ WHO. एंड वर्ल्ड डायबिटीज़ डे बिकम एन ऑफिशियल UN डे इन 2006. 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ सर फेडरिक बैंटिन, जिनका इसी दिन बर्थडे था, जिन्होंने इंसुलिन की डिस्कवरी की थी. सो लेट अस सी समथिंग अबाउट डायबिटीज़. डायबिटीज़ के मेन 3 टाइप्स है, Type 1 डायबिटीज़, Type 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़. उनके सिम्टम्स देखे जाए तो मेन है फटीक, मतलब थकावट रहना, एक्सेसिव थर्स्ट, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, टिंगलिंग या नमनिंग सेंसेशन एंड कंटिन्यूस हंगर क्रेविंग्स होना. ये जो मेन सिम्टम्स है डायबिटीज़ के मरीजों में देखे जाते हैं. जैसे कहा था कि डायबिटीज़ सिर्फ ब्लड शुगर पे अफेक्ट नहीं करता, तो ओवरऑल सभी ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है एंड उसके उतने कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं. जैसे मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है, उसके वजह से डिप्रेशन, स्लीप एपनिया, इंसोमनिया ये देखा जाता है. फिर आइज पे अफेक्ट करता है, उसके वजह से रेटिनोपैथी, ग्लॉकोमा, कैटरैक ये देखा जाता है. फिर कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज लाइक हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, स्ट्रोक आना,
फिर नेफ्रोपैथी लाइक किडनी फेलियर होना, और जिनको डायबिटीज़ अगर अनडाइग्नोज रहा तो उनको कंटिन्यूस डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर न्यूरोपैथी मीन्स नर्व्स पे भी अफेक्ट कर सकता है, उसके वजह से फूट एम्प्यूटेशन एंड टिंगलिंग या नमनेस सेंसेशन हाथों पैर में हो सकता है। ये सब डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो देख के हमें डायबिटीज़ को तुरंत डायग्नोज करके उसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है एंड टाइमली ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ प्रिवेंट करने के लिए मेन है कि हेल्दी एंड प्रॉपर डाइट उनको फॉलो करना ज़रूरी है, एंड द पर्सन शुड स्टे फिजिकली एक्टिव, एक एक्सरसाइज रूटीन में होना बहुत ज़रूरी है, एंड प्लस उनका जो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से जो हेल्दी वेट रहना वो उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फिर ट्रीटमेंट में देखा जाए तो एलोपैथी में मोस्टली इंसुलिन इंजेक्शंस रहते हैं, ओरल डायबिटीज़ मेडिसिकेशंस रहते हैं जैसे मेटफॉर्मिन, एंड कंटिन्यूस ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो इंसुलिन इंजेक्शंस का यूनिट प्रॉपर मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो यूनिट प्रॉपर ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर नहीं किया तो जो पेशेंट है वो हाइपोग्लाइसेमिया मतलब उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत लो हो सकता है, प्लस उनको स्किन इन्फेक्शन हो सकती है, तो इसीलिए वो ये इंसुलिन इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एंड विद द प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ओरल डायबिटीज़ मेडिकेशन जो पेशेंट है उनको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस जैसे ब्लोटिंग, गैस, लॉस ऑफ एपेटाइट ये दिखाई देता है। एंड जिनको भी डायबिटीज़ है उनको ब्लड शुगर लेवल कंटिन्यूस मॉनिटर करना ज़रूरी है, तो ही उनका डायबिटीज़ प्रॉपर लेवल पे ला सकते हैं। फिर लेट्स नो सम फैक्ट्स अबाउट डायबिटीज़ कि उसका प्रिवेलेंस इंडिया में एंड ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कितना है वो जान लेते हैं। सो 1.5 मिलियन डेथ्स आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू डायबिटीज़ ईच ईयर अकॉर्डिंग टू ICMR इन 2023 77 मिलियन पीपल ओवर द एज ऑफ 18 हैव डायबिटीज़ एंड नियरली 25 मिलियन पीपल आर प्री डायबिटिक। फिर ग्लोबली देखा जाए तो ओवरऑल अबाउट 537 मिलियन पीपल आर करंटली लिविंग विद डायबिटीज़ वर्ल्ड वाइड एंड अबाउट क्लोज टू 50% पीपल आर डायबिटीज़ इज अनडाइग्नोज एंड इट इज़ प्रेडिक्टेड एंड एस्टिमेटेड कि अबाउट 643 मिलियन एडल्ट पीपल कैन हैव डायबिटीज़ बाय अप टू 2030। इसीलिए ये अगर काउंट को हमें कंट्रोल करना है तो इसीलिए ये डायबिटीज़ के प्रेवलेंस को ध्यान में देख के उसको कंट्रोल और मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबली डायबिटीज़ कवर टारगेट ये WHO ने बनाया है इन 2022, जिसमें 5 टारगेट बनाए हुए हैं लाइक 80% ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ आर डायग्नोज, 80% ऑफ पीपल विद डायग्नोज डायबिटीज़ हैव गुड कंट्रोल ऑफ ग्लाइसेमिया मतलब जिनको डायबिटीज़ है उनका ब्लड शुगर लेवल में अच्छा कंट्रोल आना बहुत ज़रूरी है, देन 80% पीपल विद डायग्नोज डायबिटीज़ हैव गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, 60% ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ ऑफ 40 ईयर्स और ओल्डर रिसीव स्टैटिन्स। ये ज़रूरी है क्योंकि जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, उनको डायबिटीज़ इजीली देखा जाता है, उनका ब्लड शुगर लेवल इजीली बढ़ सकता है, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एंड 100% पीपल विद type 1 डायबिटीज़ हैव एक्सेस टू अफोर्डेबल इंसुलिन एंड ब्लड ग्लूकोज सेल्फ मॉनिटरिंग। तो मेन है कि जिनको भी डायबिटीज़ है उन सबको अफोर्डेबल इसमें इंसुलिन एंड प्रॉपर डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, एंड उनको सेल्फ मॉनिटरिंग होना ब्लड शुगर लेवल का वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड चाहता है कि ये जो डायबिटीज़ है उनके मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट देख के हमारी कंपनी ने कुछ दवाई बनाई है प्रॉपर रिसर्च करके, क्योंकि राजस्थान औषधालय चाहता है कि जो डायबिटीज़ है वो नेचुरली हम जितना ठीक कर पाए उतना अच्छा है। एंड एज वी नो डायबिटीज़ इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, सो राजस्थान औषधालय ने एक डायबरी चूर्ण बनाया हुआ है विच इज़ मेड अप ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब विच आर स्पेशली डिजाइन टू हेल्प कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। इट आर नेचुरल हर्ब विच वर्क टूगेदर टू रेगुलेट इंसुलिन सिक्रेशन, इंसुलिन सिक्रेशन को प्रॉपर रेगुलेट करके पैंक्रियाज के जो फंक्शन है उसको प्रॉपर इम्प्रूव करके ओवरऑल डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म को भी ये हर्ब्स इम्प्रूव कर देता है।
Plus, it helps to decrease the sugar cravings. And daibari churna also helps to manage the diabetes ke symptoms rehte hain, jaise excessive thirst, fatigue and frequent urination. Usko bhi manage karne mein ye daibari churna help karta hai. And it is can be given and suitable to individuals with all the ages who are suffering from high blood sugar levels. फिर दाईबरी चूर्ण के जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो हम देख लेते हैं. उसमें है पनीर दोधी है. पनीर दोधी हेल्प्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल लीवर फंक्शन एंड हेल्प्स टू कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इन राइट अमाउंट. फिर इट हैज जम्बू विच हैज एंटी डायबिटिक इफेक्ट एंड हेल्प्स टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल्स. फिर इट हैज आमलकी दैट इज आंवला विच हैज एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी डायबिटिक इफेक्ट. इट ऑल्सो हैज पोटेंट एंटी ऑक्सीडेंट्स विच हेल्प टू मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स. फिर इट हैज कारवेलक दैट इज करेला विच हैज पोटेंट एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी एंड इट हैज ऑल्सो हैज एंटी डायबिटिक इफेक्ट. Then it has haritaki, which has antioxidants and anti-inflammatory property, and also helps to manage blood sugar level. ये main herbs है daibari churna में जो naturally sugar level को control करने में help out कर देता है. Then daibari churna comes in a pouch of 135 gram. It has different pouches. तो डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल्स वो डाइबरी चूर्ण का एक पाउच आप दिन में हाफ ऑफ करके वन पाउच भी दे सकते हैं या वन पाउच ट्वाइस इन अ डे ऐसे भी दे सकते हैं. बट वाइल स्टार्टिंग दिस वी हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर द ब्लड शुगर लेवल ऑफ द दैट इंडिविजुअल. फिर वी ऑल्सो हैव सुगाजन कैप्सूल. देन सुगाजन कैप्सूल कैन बी यूज इन डायबिटीज एंड प्री डायबिटिक पेशेंट. It is made up of Ayurvedic natural herbs which helps to control or lower the blood sugar levels naturally. वो इंसुलिन सिक्रेशन को प्रमोट करता है प्लस जो पैंक्रियाटिक के बीटा सेल्स रहते हैं उनको भी रिपेयर करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू मैनेज द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ लाइक फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, नमनेस, फटीग एंड एक्सेसिव थर्स. इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस जो गैंग्रीन, वेरिकोज वेन्स जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं या फिर डायबिटीज़ के लोगों में नॉन हीलिंग वुंड हो जाते हैं उसमें भी ये हील करने में सुगाजन कैप्सूल हेल्प कर देता है. सो इसके जो मेन कंटेंट्स है वो देख लेते हैं. इसमें है कारवेलक जो अभी देखा था कि दैट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी, इट हैज़ एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड एंटी डायबिटिक इफेक्ट. फिर इट हैज़ गुड़मार. गुड़मार जो है वो जो स्वीट क्रेविंग्स होती हैं, हंगर क्रेविंग्स रहती हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है जिससे ब्लड शुगर लेवल्स रिड्यूस होता है एंड इट ऑल्सो एनहेंस द लेवल ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी. Then it has paneer dodhi which promotes the secretion of insulin right amount and also improves the liver function. Then it has jambu which has anti-diabetic effect and controls the blood sugar levels. It has methi which helps to improving insulin sensitivity and regulate blood sugar levels and it also has potent antioxidants. This Sugajan capsules comes in 15 capsules ki bottle and 30 capsules ki bottle. So it also has to be given depending on the blood sugar level of the individuals. It can be given 1-1 capsules twice in a day or 2-2 capsules twice in a day depending on the blood sugar level. तो ये डाइबरी चूर्ण एंड सुगाजन कैप्सूल है वो प्रॉपर मॉनिटर करके ही हमें इंडिविजुअल्स को देना है. उनकी जो एलोपैथी मेडिसिन है या इंसुलिन इंजेक्शन्स है वो तुरंत बंद करके ये शुरू नहीं करना है. तो प्रॉपर ये मेडिसिन्स को प्रॉपर मॉनिटर करना है, ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करके ही ये डाइबरी चूर्ण एंड सुगाजन कैप्सूल को शुरू करना है. Then we have Daiprash. This Daiprash earlier is like a Chavan Prash which has natural Ayurvedic herbs which overall helps to boost immunity and also helps to increase the strength or energy of that individual. Diabetes के मरीजों में या लोगों में देखा गया है कि उनकी overall immunity बहुत कम रहती है. They are easily prone to all the allergies like cough, cold. तो उसको कम करने में और immunity अच्छी करने में ये Daiprash अवलेह help करता है. It can be given to individuals of all the ages who have high blood sugar level. It also helps to improve overall digestion and
metabolism. Dipra Chavale helps to enhance proper organ functioning in diabetic patient. तो जिनको diabetes बहुत सालों से है या undiagnosed है उनमें भी ये diabetes के वजह से जो बाकी organs पे affect होता है, complications होता है, उनमें भी ये prevent करने के लिए Dipra चूर्ण दे सकते हैं. तो इसके हीरो इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं. इसमें भी आंवला की है, दैट इज़ आंवला, विच हैज़ एंटी ऑक्सीडेंट्स विच हेल्प्स टू इंक्रीज द इम्यूनिटी एंड फाइट कॉमन कोल्ड कफ एंड एलर्जीज. फिर इट हैज घृत, मतलब काव घी, विच हेल्प गिव्स ओवरऑल नरिशमेंट टू द बॉडी एंड हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट ऑल्सो हेल्प्स टू बूस्ट मेटाबोलिज्म एंड डाइजेशन एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द इंडिविजुअल. Then it has steel tail, that is sesame oil, which gives strength to the bones and muscles and helps to increase the overall immunity. It has potent antioxidants, vitamins and minerals. Then madhu, that is honey. Honey mein fructose type ka sugar rehta hai, jo body mein bahut time tak rehta hai and isliye uska side effect as compared to baki sugar itna nahi hota. Plus honey jo hai, it has vitamins and minerals. Plus it protects liver against damage and helps in soothing, like cough cold rahega to usme bhi ye honey help karta hai, and plus it has healing property. Then पिपली हैज़ एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी विच हेल्प्स इन द कफ एंड कोल्ड एंड बाकी एलर्जीज रहेगा उसमें ये पिपली हेल्प करता है बिकॉज इट हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी. प्लस पिपली ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव ओवरऑल मेटाबोलिज्म. ये डायप्रश अवलेह की बॉटल जो है वो 500 ग्राम की आधे किलो की बॉटल आती है विद अ कॉस्ट ऑफ 1250. तो इसका भी डोज है 1-1 टीस्पून ट्वाइस इन अ डे भी दे सकते हैं, और ये अगर बच्चों को देना है तो हाफ हाफ टीस्पून ट्वाइस इन अ डे दे सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के इसमें भी डायबिटीज़ पाया जाता है, तो उनमें भी इन ये डोज को हाफ हाफ टीस्पून दे के भी उनको दिया जा सकता है. एंड डायप्रश अवले जो है वो डायबरी चूर्ण और सुगाजन कैप्सूल्स के साथ एज अ सपोर्ट के साथ दे सकते हैं, विच विल हेल्प टू सपोर्ट ओवरऑल इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द डायबिटीज पेशेंट. थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वेबिनार. आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी. अगर कुछ भी क्वेरी रहे तो यू कैन, या फिर हमारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड आपको ऑर्डर देनी है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट योर कोऑर्डिनेटर्स एंड मैनेजर्स. थैंक यू.